हाय मु स्वाति मो चैनल स्वाति रोसई को आपन समस्त को स्वागत करछि। आजिर हमर रेसिपी हला फुलकोबी पकोड़ा। आज आम फुलकोबी पकोड़ा प्रस्तुत करने जाऊँ तापाई आम मार्केट रु फुलकोबी नहीं आसचु बहुत फ्रेश फुलकोबीटे ताकू आम काटू। आम जिते फुलकोबी पकोड़ा प्रस्तुत करुचु फुलकोबी रे कौन थाए ना बहुत पोक थाए तेणु ताकू आगे प्रथम आम हलदी पा फुलकोबी को पकईदेबू। जेहेतु आम पकोड़ा प्रस्तुत करुचु तेणु ताकू छोट छोट खंड करनबू। पनीखी काटिले छुरी रे काटिले हम मुझे हाथ में छिंडे नौ हाथ में छिंडे ना कौन हम मानते भल से आम फुलकोबी सब डेम्फो आम बाहरी आसव आ जो ये रेसीपीटा मानते बहुत बढ़िया लगे बहुत टेस्टी हम एबे तो शीत दिन चली तेणु शीत दिन यही फुलकोबी पकोड़ाटा सबुठ बेस्ट कहीं फुलकोबी पकोड़ा तो भल भी लगे तांगक आम फुलकोबी बहुत शस्ता आसे किंतु आपन जो फुलकोबी पकोड़ा करूँ कि फुलकोबी तरकारी करूँ प्रथम हलदी पानी धोने जदि से पक थो सब पक तक आम बाहरी आसव बर्तमान आम देदेल लुण तापर आम धनिया पाउडर रखीलु धनिया पाउडर देदेलु जीरा गुंडलु लंका गुंड देलु ता सांगरे आमरो गोटा जीरा रखीलु गोटा जीरा देदेलु खाइबा सोडा से टिके देलु तापरे आमरो भुर्सुंगा पत्र आम से दौचु भुर्सुंगा पत्र एबे टिके कौन पत्र रही आम छात बगीचा रे हेइथिला भुर्सुंगा पत्र कौन कौन पत्र तेणु मुझे अधिक पत्र देदेली ता चाहिले आपण धनिया पत्र देदेबे धनिया पत्र भी बढ़िया टेस्ट आसीब तार पकोड़ा भुर्सुंगा पत्र बेस्ट तापर आम देदेलु लंका चुना चुना करके काटिक रखी लंका देदेलु तांग को आम खाइबा कलर टिके देबु देले कौन हम ना बढ़िया सुंदर से देखा जीवो भल लगे टिके खाइबा कलर देदेलु अल्प टिके देले किछि सेतिर असुविधा ना एबे आम बेसन दे दौचु पकोड़ा रे ए जो पकोड़ा आम प्रस्तुत करुचु बेसन जेतेबेले दौचु आम फुलकोबीटा को भलसे धोइथिलु फुलकोबीरे अल्प टिके पानी रहीथिला तेणु प्रथम रु आमको पानी दबार नाही आम सिमिति ताको गोळेई नबु जदि आमको दरकार होउची माने एमती ता देहरे बेसन आमर लागी लाखेगी जीवो ता उपरे आम अल्प टिके पानी देदेबु बेसी पानी देले सेटा टेस्ट कुरकुरा आसीबो नाही किंतु पछरे जेतेले आम पानी दौचु इमिति प्रकार आपण फुलकोबी पकोड़ा प्रस्तुत करूँ देखिए आपको एत कुरकुरा लगे आते टेस्ट लगे आपण सब चाहिए ये फुलकोबी पकोड़ा प्रस्तुत करके खायापी आपण बहुत पसंद आसो बर्तन आमर गोला सर एवं आम कढ़ई रिफाइन अएल देदेचु तेल आमर गरम होसला एबे आमे जो फुलकोबी को गोल रखीलु से दौचु धीरे धीरे आपण मैंने पकईबे कहीं जल्दी से पकेले हाथ को तेल आम छिटिकी पलि आस हालका से पकईबे तेल गरम बहुत रही जो आम पकोड़ा जिते प्रस्तुत करुचु आमको फ्लेमटा मीडियम करके रखार अच्छी कहीं हाई फ्लेम कले कौन हम ना उपर पटु आम मान पकोड़ाटा पोड़ भितर आम कंचा कंचा रही कुरकुरा लगे ना आदि आप सीम करदे कौन करेंगे ना तेल पीजी आम पकोड़ा इमित भाव आम पकोड़ा प्रस्तुत कर देखिए बहुत सुंदर लगे कुरकुरा लगे देखुना के सुंदर छाड़ जा मानने कौ पकोड़ा देहरे कौ पकोड़ा भी मानते जॉइंट होना बढ़िया से लगुच आउ बाहर कर नौ बेस भी डीप फ्राई करेंगे ना डीप फ्राई कले कौन हम ना पोड़ एमती देखने जापर से ही हिसाब से आप करेंगे बर्तमान आम सब पकोड़ा बाहर कर नलु पुणी आज जो गोला होकर रखी आम से पकईबू इमती प्रकार आम सबुतक गोला को आम छाणी नबु आपण मानक बहुत पसंद आसो मोर रेसीपीटा को थरुटे निश्चय ट्राए करेंगे जदि प्रथम कर मोर भिडियो रोचे मो चेल को सब्सक्राइब करनी सैड में बेल आइकन को प्रेस करने जमार भी भूलिए ना मुझे नुआ नुआ रेसीपी छाड़ी आपण सब नोटिफिकेशन मिल जाव कमेंट सेक्शन में जनइबे मोर ये रेसीपीटा आपको केमी लगे जदि मोर ये रेसीपीटा आपको पसंद आसे फैमिली ग्रुप रे फ्रेंड सर्कल आपन शेयर मध्य करिपरिबे जदि भल लगुच लाइक करनी पकोड़ा तक तो आम सब छणा सरला खाली पकोड़ा ने घर को आम गेस्ट आसुता अलग आइटम सब बना सरी आगुरी तो मोर कोबी पकोड़ा मुझे प्रस्तुत करी तापर प्याज पकुड़ी मोर प्रस्तुत हो जाता एवं आम फुलकोबी पकोड़ा प्रस्तुत करुचु यहीटा बहुत इजी प्रोसेस रे आसान तरीका सुंदर लगे टेस्टी हम शीतुआ पाग को चाह सा फुलकोबी पकोड़ा बहुत बढ़िया लगे बर्तमान आमर सब छणाछणी सरला एवं प्लेट लगे प्लेट भी लगा सरला सुंदर भाव में आम प्लेट सजा हो
ଖାଲି ତ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା ନୁହେଁ, ତା ସାଥିରେ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ତ ଆମର ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଘରକୁ ମା ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବତେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଖାଲି ଯେ ଆମର ଫୁଲକୋବିରେ ଆମେ ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ ତା ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ବି ପରିବା ଆମେ ପାଉଛୁ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାକୁ ଚୁନା ଚୁନା କାଟିକି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚାଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଭଲ ବି ଲାଗେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଥରୁଟେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଟ୍ରାଏ ନକଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ମୁଁ ଯେମିତିକା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବତେଇଲି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ାଟା କୁରକୁରା ଲାଗିବ। ନହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ପକୋଡ଼ାଟା ଏତେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଥିବ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।